तो दोस्तों अभी नर्मदा नदी में नहा रहे हैं हम, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और देख सकते हो आप कितनी सारी पब्लिक यहाँ पर नहा रही है। देख सकते हो आप ये जो यहाँ पर जो रोड दिख रही है लोहे की, उसके उस पार नहीं जाना है, बहुत गहरा है उधर साइड। तो यहाँ पर देखिए सब लोग नहा रहे हैं और बोट भी चल रही है यहाँ पर। तो हम मंदिर भी जाएँगे तो वो सीन भी दिखाएँगे आपको, खाना खाने के लिए जाएँगे तो वो भी आपको बताएँगे कहाँ रहना है कहाँ खाना है। तो गाइस यहाँ पर मेरा दोस्त वीडियो बना रहा है, देखिए देख सकते हो आप। क्या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो में अब। और तो चलिए अभी नहा लेते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे, मैं सब यहाँ पर पूरी टोटल जानकारी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं हूँ अभी नर्मदा ओंकारेश्वर में और आज आपको मैं यहाँ पर आने के लिए पूरी जानकारी बताऊँगा कि कहाँ पर रहना है, कहाँ पर खाना खाना है और कहाँ पर सोना है यहाँ पर। तो चलिए मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और इधर का सीन भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। तो देखिए हमारी नर्मदा नदी, नाव चल रही है यहाँ पे और 50 रुपये लगते हैं यहाँ पर नाव में बैठने के लिए, तो बहुत ही इंजॉयलेबल है नाव भी यहाँ पर। और देखिए अभी नहा धो के हम जाएंगे अभी खाना खाने, तो कहाँ खाना खाना है वो भी बताऊँगा आप लोगों को मैं। तो देखिए ये पुल दिख रहा है यहाँ पर इधर ऊपर, वो पुल से भी जाएँगे हम लोग, बड़े मंदिर भी जाएँगे, तो सब जगह जाएँगे। आप बने रहिएगा वीडियो में और नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहुंच चुके हैं भोजनालय ओंकारेश्वर में, जहां पर 30 रुपये में पेट भर खाना मिलता है। तो देखिए यहां पर देखिए भोजनालय है जहां पर 30 रुपये में पेट भर खाना मिलता है। तो आपको कोई भी बता देगा ओंकार प्रसादालय यहां पर कहां पर है जहां पर सस्ता खाना मिलता है 30 रुपये में। तो अभी हमने खाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको बताऊँगा किधर से जाना है, कैसा रास्ता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये में पेट भर के खाना अभी हम खाएंगे, देख सकते हो इतना बड़ा भोजनालय है, सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलता है 30 रुपये में पेट भर खाना, भीड़ बहुत ज़्यादा है हालांकि यहाँ पर एक आध घंटे में नंबर लग गया यहाँ पर हमारा। अभी आ चुके हैं नर्मदा पुल पर और अभी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो देखिए ये वाला पुल है यहाँ पर, जो झूला टाइप है जो कि यहाँ पर बना हुआ है ओंकारेश्वर में। तो अभी हम इस साइड से उधर जाएंगे, मंदिर भी बता देता हूँ आपको मैं। अभी यहाँ से मंदिर दिख रहा है, देखिए वो वाला मंदिर, इस मंदिर पे जाएंगे हम लोग अभी दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अभी यहाँ से, दोनों तरफ इधर भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ का। पहुँचने वाले हम पुल पे से जा रहे हैं हमारे ओंकार बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये पुल है, देखिए यहाँ पर झूला पुल बोलते इसको। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए, इधर देखिए यहाँ पर ओंकार बाबा के दर्शन करने जाएंगे अभी हम लोग। तो चलिए मिलते हैं आगे। मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँच गए हैं हम, यहाँ से आपको मैं मंदिर भी बता देता हूँ। ये जो पीछे वाला मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, देखिए हम वहाँ पर गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसके कारण हम इधर आ गए जहाँ पर खाली जगह है। तो यहाँ से अब हम नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि दर्शन करना हो तो भाई ऐसे समय में आना पड़ेगा, बारिश के दिनों में आना पड़ेगा जब भी दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि इस समय में 4 से 5 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी तो भाई हम इधर से बाहर जाएंगे, उस साइड जाएंगे ममलेश्वर दर्शन करने के लिए। देखिए इधर साइड देख सकते हो आप, उधर साइड भी एक मंदिर है, तो हम उधर साइड जाएँगे क्योंकि इधर साइड भीड़ बहुत है। और इधर साइड आएंगे हम, बारिश के दिनों में ही आएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारे ओंकार बाबा, देख सकते हो यहाँ पर मंदिर बहुत ही बड़ा गजब और यूनिक है यहाँ पर अभी हम नहीं जा सकते। गाइस मिलते हैं आगे। चुके हैं बड़े वाले पुल पे, यहाँ पर एक और पैदल पुल है तो आपको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, हमने दर्शन तो कुछ किए नहीं, आ चुके हैं बड़े वाले पुल पे, आपको मैं पुल दिखाता हूँ। ये वाला पुल है, देखिए दो दो पुल हैं यहाँ पर, हम फर्स्ट बार उस वाले पुल से आए थे, देख सकते हो आप, ये दिख रहा है आपको झूला पुल और अभी ये वाले पुल से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी आ चुके हैं दर्शन करके, हमारे ओंकार बाबा के दर्शन तो नहीं हुए, ममलेश्वर बाबा जी के दर्शन ज़रूर हो गए,
तो अभी हम बस के पीछे में, अभी तो इस बस में बैठेंगे और सीधा हमारे गांव जाएंगे अभी। तो यहां पर कार ही कार खड़ी है चारों तरफ देख सकते हो, और ये वाली बस में बैठेंगे अभी हम, ये वाली बस में। तो दोस्तों ओंकारेश्वर में बहुत ही मज़ा आया घूमने में। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हो तो खाने की व्यवस्था तो है, 30 रुपये में मिल ही जाता है खाना पेट भर के, आपको कोई भी बता देगा। उधर जिस तरफ डैम है उस साइड रहता है, उधर साइड, तो वहीं पे जाना आप लोग, मिल जाएगा उधर ही खाना। और यहाँ पर देखिए कार का एक पहिया निकल चुका है, शायद पंचर जोड़ रहे होंगे। क्या कार है भाई, बड़ी बड़ी कारें आती हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।